एक तरफ जहां तबलीगी मरकज के जमातियों ने पूरे देश पर बड़ा संकट ला दिया है, वहीं किसी भी तरह के जमाती को किसी अस्पताल में ले जाया जाता है तो वो वहां तरह तरह की अश्लीलता कर रहे हैं और उपद्रव के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों को बेहद परेशान भी कर रहे हैं। ताज़ा मामला बिहार के सहरसा सदर अस्पताल का है। यहाँ बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में इलाज के लिए लाए गए जमाती गदर मचाए हुए हैं और हर तरह का तांडव कर रहे हैं। इनकी हरकतों से पूरा स्वास्थ्य प्रबंधक हालाकान और परेशान है। मतलब जैसे हम लोग का तो सरकारी अस्पताल है, वही जो खाना हम लोग का जो मेनू है उसी हिसाब से ना, इन लोगों को ये खाना पसंद नहीं है, वैसा कुछ नहीं बोले है क्या चाहिए, तो ये खाना ठीक नहीं है, यही खाना होता है, यही होता है, खाना छोड़ देता है, खाना खाता नहीं है, फेंक दिया, इधर उधर फेंक दिया, बाहर फेंक देता है। ये आइसोलेशन वार्ड से एक भाग भी गया था। हाँ, कल एक भाग गया था, फिर सब जगह सूचना उसकी दी गई और उसके बाद वो फिर अपने से लौट करके चला आया, फिर अभी अंदर ही है। तो परसों भी दो पेशेंट था, बहुत ही बदमाश था, बहुत बदतमीज, तरह तरह के कुछ भी हम लोग बोलते थे कि आप लोग अंदर बैठिए, अंदर रहिए, वो लोग अंदर रहने के बजाय जानबूझ के बाहर निकलता है, जानबूझ के हम लोग को जानबूझ के परेशान करने की कोशिश करता है। बोलते हैं तो कहता है क्या आप क्या समझती हैं, आप करते हैं क्या है, दिन भर बैठे रहते हैं, आप लोग का वीडियो बना देंगे, ये करेंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे, सबको एक एक करके लिंक डाउन करके रखेंगे, यही सब करके हमेशा हर कुछ भी हो तुरंत मोबाइल निकालता है, कुछ भी होता था तुरंत मोबाइल निकालता था, मास्क देते हैं मास्क नहीं पहनेगा। और कल जो पेशेंट आया है वो तो कहता है कि हमको पान चाहिए, पानी पीने के लिए कहता है हमको बिसलरी दीजिए, हैंड वॉश दिए हैं सेट्रामाइड हैंड वॉश 500 ml का, वो लोग के लिए अलग दे दिए, नहीं तो अभी भी है अंदर में, वो हैंड वॉश से हम हाथ नहीं धोएंगे, मेरे लिए डेटॉल वाला हैंड वॉश दीजिए, जो कि वही हैंड वॉश हम लोग भी यूज करते हैं, वही हैंड वॉश भी पूरा अस्पताल यूज कर रहा है, लेकिन वो हैंड वॉश नहीं चाहिए उसको, उसको चाहिए डेटॉल का हैंड वॉश। खाना, ये खाना नहीं खाएंगे, ये खाना क्या, ये खाना खाने लायक है, जानवर खाने लायक है, हमको ये चीज़ दीजिए खाने के लिए, रोटी दीजिए, अच्छा सा दीजिए बना के। बोले ठीक है, अब हम घर से आपको बना के देखे, जो यहाँ मिलेगा आपको इसी में एडजस्ट करना होगा, तो इसी में आपका वीडियो बना के हम ये बताते हैं। पानी का क्या बोतल मांग रहा था? बिसलरी पानी में कहता है कि हम डायरेक्ट मोटर का पानी नहीं पिएंगे, डायरेक्ट कनेक्शन भी है मोटर का, तो बोला हम डायरेक्ट नहीं पिएंगे, हम ये पानी पीते तो हमको डायरिया हो जाता है, हम मेरे लिए बिसलरी मंगवाइए। यही जमाती नर्सों का वीडियो बना रहे हैं तो कभी पान खैनी की मांग कर रहे हैं, खाना को फेंक कर वार्ड को गंदा अलग से कर रहे हैं, जमाती वार्ड की जगह बाहर राउंड लगाते हैं, ये किसी का भी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। इनकी इन्हीं वजह और अश्लील हरकतों से उबर कर स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी सूचना DM को दे दी है, जिसके बाद पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जमातियों को खुराफात ना करने की चेतावनी दी। जमातियों के व्यवहार से लगता है कि ये पहले से ही प्लान बना कर आते हैं। तबलीगी जमात को छोड़कर किसी भी जमात के लोगों को किसी भी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जाता है। ये जमाती अश्लीलता, तरह तरह के उपद्रव, मनमानी और स्वास्थ्य कर्मियों को विभिन्न तरीके से परेशान करने में लगे हैं। पूरे देश में टोपीधारी इन जमातियों का यही गंदा चरित्र सामने आ रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन को चाहिए कि वो इनसे सख्ती से निपटे। ब्यूरो रिपोर्ट HD News।